कुणाल हूँ और वेलकम टू कुणाल चक्रधर फोटोग्राफी। आज हम सीखेंगे कि कैसे दो लाइट यूज़ करके एक इमेज ले सकते हैं। तो इस फोटोशूट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गोरस का 8200, गोरस का TT685 फॉर बैक लाइट। मेरा की लाइट जो है वो गोरस 8200 है, एक 120 सेंटीमीटर ऑक्टा बॉक्स के साथ। चलो आज हम देखेंगे कि कैसे ये लाइट सेटअप करके मैंने ये इमेज ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जंप करेंगे एक नोटबुक के तरह, जहाँ पर एक मैं ड्राइंग ड्रा करूँगा, जहाँ पर मैं लाइट पोजीशन और मॉडल के पोजीशन बारे में बताऊँगा। और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा हम लोग BTS वीडियो के साथ। BTS वीडियो में आप फुल BTS देखेंगे, उसके साथ रिजल्ट भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह फर मेरा कैमरा पोजीशन था, यह फर मॉडल था और यह हमारा बैकग्राउंड थे। और मेरे दो लाइट के पोजीशन, एक थे 45 डिग्री एंगल फ्रंट से की लाइट जो कि 8200 विथ 120 सेंटीमीटर ऑक्टा, एंड बैक लाइट से मैं रिम लाइट के लिए यूज़ कर रहा था गोरस का TT685 जो लगभग 45 डिग्री एंगल से ही है बैक से मॉडल के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैमरा सेटिंग रखा था f2.8, शटर स्पीड 1/200 एंड ISO 100, जबकि मेरे एम्बियन लाइट कट जाए, पूरा सीन डार्क आ रहे थे। देन मैंने 45 डिग्री एंगल से मेरे की लाइट जो कि 8200 है वो प्लेस करा था, और काफ़ी ट्रायल एंड एरर करके मेरे 1/64 खूबसूरत रिजल्ट दे रहे थे। तो मेरे 8200 का पावर, मतलब की लाइट का पावर 1/64 थे 45 डिग्री एंगल से। देन मैंने ये लाइट ऑफ किया और रिम लाइट ऑन किया। रिम लाइट के पावर मैंने रखे थे 1/16 जो कि मॉडल के थोड़ा सा राइट पे एक हल्का सा इफेक्ट दे रहा था, जो कि मॉडल को बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे ही करके मैंने रिम लाइट भी चेक किया जो कि 1/16 थे, और देन की लाइट भी ऑन किया और दोनों मिला के फोटो खींची। तो अब हम लोग जंप करेंगे ये BTS वीडियो के तरह, तो आप लोग समझ सकते हैं। और साथ में कैमरा सेटिंग्स और फ्लैश का पावर सेटिंग नहीं, कैमरा सेटिंग्स भी है और BTS वीडियो के साथ। चलिए जंप करते हैं BTS वीडियो के तरह।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, एक लाइक से मेरा मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग इस मेथड को यूज़ करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थैंक यू एंड बाय, अगले वीडियो मिलते हैं।